हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल घर की रसोई। तो आज मैं आपके लिए लेकर गई हूँ पंजाब की एक बहुत ही फेमस रेसिपी जो कि सभी खाना पसंद करेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, जो कि सभी को पसंद आएगा और वो भी हम बनाएंगे आज पूरी पूरी पंजाबी स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप मेरा वीडियो देख सके। तो चलिए आज बनाते हैं मक्के दी रोटी और सरसों का साग। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे, ये मैंने पालक के पत्ते लिए हैं 250 ग्राम, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और कट कर लिया है। तो इसको हम कुकर में डाल देते हैं। तो यहाँ पालक को डालने के बाद मैंने लिए हैं 500 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया है ये सरसों के पत्ते, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और कट कर लिया है। तो इसे भी हम डाल देते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम बथुआ के पत्ते, इसे भी मैंने वॉश किया हुआ अच्छे से और इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको डाल दिया है और अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 9 से 10 गार्लिक। और यहाँ पे मैंने 1 इंच जो है अदरक का टुकड़ा लिए है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में कट किया है, उसके डाल देंगे। इसी के साथ अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 ग्रीन चिली। और यहाँ पे मैंने लिया है ये 1/2 अनियन है, जिसको मैंने स्लाइस में कट किया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड करने के बाद अब इसको हम जो है बंद करके इसे रख देंगे गैस पर। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है गैस पे रख दिया है और 5 से 6 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में 2 कप मक्के का आटा लिया है और इसी के साथ मैं इसमें अब ऐड करूँगी 1 कप गेहूं का आटा। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको मत डालिए, स्किप कर दीजिए। और इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून हींग और अजवाइन हम लेंगे 1/2 टीस्पून, इसको हम हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। और अब हम जो है गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से गूथ लिया है और अब इसको हम कवर करके रख देंगे रेस्ट पे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी जो साग है वो भी अच्छे से गल गई है और उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो साग है हमारी बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया गल चुकी है। तो अब इसको हमें एकदम अच्छे से मैश करना है। आप चाहे तो इसको किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं मैशर से, और अगर नहीं हो पाता है तो आप इसको जो है ठंडा करके इसको मिक्सी में भी अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका है और इसी के साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून मक्की का आटा डाल करके पका लेंगे इसको। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल और उसमें हम डालेंगे बटर। तो बटर डालने के बाद इसमें मैंने हींग डाला है, इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे गार्लिक और जिंजर, ये 1-1 टेबल स्पून है, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे इसको भूनते ही अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 प्याज लिए, जिसको मैंने एकदम फाइन चॉप किया था, उसको भी हम इसमें डाल करके अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारी भुन चुकी है, इसी के साथ मैंने यहाँ 2 टमाटर की प्योरी बनाई है उसको ऐड कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर को फाइन चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है, इसी के साथ हम डाल देंगे जो हमारा साग का पेस्ट बना हुआ है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है और ये देखिए यहाँ पे हमारी साग जो है बनके रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं तड़का। तो यहाँ पे तड़के में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून बटर लिया है, उसमें डाला थोड़ा सा हींग और मस्टर्ड, और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी चॉप किया गार्लिक और जिंजर।
और उसके साथ मैंने यहाँ पे एक रेड चिली डाली है। तो यहाँ पे ये हमारा तड़का बन के रेडी हो चुका है और इसको अब हम साग में डाल देते हैं। डालने के बाद इसको अब हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो साग है बन के रेडी हो चुका है। तो दूसरी तरफ हम अपनी रोटियाँ भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मक्की की रोटियाँ जो है वो थोड़ी सी थिक बनती है, इसलिए हमने यहाँ पे बड़े साइज़ का पेड़ा लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आटा डस्ट किया है। आप चाहें तो मक्की का आटा इस पर डस्ट कर सकते हैं और इसको हल्के हाथों से हमें जो है घुमाते हुए रोल कर लेना है। तो यहाँ पे इसको मैं दिखाती हूँ, इसे मैंने थोड़ा सा थिक रखा है, ज़्यादा पतला नहीं किया है क्योंकि ये रोटी थोड़ी सी थिक ही बनती है। और इसको मैंने सेकने के लिए तवे पे रख दिया है। इसको दोनों तरफ से हम पहले सेक लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को पहले हम थोड़ा सा लो कर देंगे और इसके किनारों को पहले हम सेक लेंगे ताकि इसका किनारों से भी अच्छे से पक जाए। और उसके बाद इसको हम इस तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पे हमारी रोटी बन गई है, तो इसी तरह से हम सारी रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा साग भी बन के रेडी हो चुका है और इधर मेरी रोटियाँ भी बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको अच्छे से मैंने बटर फिस पे स्प्रेड कर दिया है। तो यहाँ पे ये बन के रेडी है, इसको बनाइए और ट्राई करिए, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।